दोस्तों आज हम आप सबसे एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको पेपर प्लेट दोना प्लेट सबसे हटके है, बहुत ही कम पूंजी से स्टार्ट करेंगे और बिहार के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया है, क्योंकि अभी जो है सीज़न शुरू हो गया है त्योहारों का और इस सीज़न में आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डिमांड होने वाला है। तो आज मैं आप सबको ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो कि कम पैसे से स्टार्ट हो गए और आपको अच्छा मुनाफा देगा और आप अच्छे से इस बिज़नेस को कर सकते हो। और इस बिज़नेस को करने के लिए कोई भी कर सकता है, मात्र 5,000 रुपये लगा के कर सकता है इस बिज़नेस को और अच्छा पैसा कमा सकता है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो या पढ़े लिखे या अनपढ़, कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग हर कोई इस बिज़नेस को कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि आप अभी जैसे कि शुरू हो गया है त्योहारों का टाइम और अभी से बहुत सारे त्यौहार आएंगे और हर त्यौहार में लोगों का जो है कपड़े का सेल ज़्यादा हो रहा है, अभी होगा क्योंकि सीजन जो है त्यौहार वाला है और हर त्यौहार में एक न एक घर में कोई ना कोई जो है कपड़ा लेकर के आता ही है और हर किसी को कपड़े की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप कपड़ा का बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने वाला है आपका, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। और इसमें ना तो आपकी किसी की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, ना तो किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत है, बस आपको सिर्फ ये पता करना है कि हमें सस्ता से सस्ता कपड़ा कहाँ पर मिले, वहाँ से जा करके और आपको वहाँ से कपड़े परचेस करने हैं और ला करके आपको नियर बाय जो आपका मार्केट होगा, जो आपका एरिया होगा, या तो आप चाहें तो उसको घूम घूम के भी बेच सकते हैं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, रेडी पे लेकर, ठेला पे लेकर के, और या फिर अगर आप चौक चौराहे पे दुकान टाइप का लगा करके अगर आप उसको बेचना चाहें उससे भी आप इनकम कर सकते हैं, या फिर अगर जो घरेलू हैं जो महिला हाउस वाइफ है वो भी अगर चाहे तो अपने घर पे भी कपड़े रख के, सिर्फ ये होगा कि घर पे अगर आप कपड़े रख के इस काम को स्टार्ट करते हो तो 2-4 दिन 10 दिन आपको आसपास में मोहल्ले में लोगों को पता चलेगा कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हो तो लोग आपके पास आना शुरू करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। और यदि आप इस काम को मार्केट में करते हो, चाहे आप ठेले से स्टार्ट करो, ठेले पे ही कपड़ा बहुत लोग रख के बेचते भी है मार्केट में, तो वैसे भी अगर आप करते हो तो भी अच्छा इनकम होगा और इसमें अभी लॉस की तो बात ही नहीं होगी क्योंकि अभी जितना सेल होने वाला है इस सीज़न में, क्योंकि सीज़न जो है ये अभी से लगातार सीज़न ही सीज़न है और सब जो भी सीज़न है त्योहारों का ही है, बड़ा बड़ा त्यौहार है, दुर्गा पूजा है, बिहार के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा, तो दुर्गा पूजा, छठ पूजा और अभी जो कि शादी ब्याह का भी सीज़न शुरू होने वाला है, शादी विवाह का, तो इसमें भी बहुत लोग कपड़े लेंगे। तो कपड़ा एक ऐसा चीज़ है जो कि हर इंसान को ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और ये ऐसे टाइम में आपको अगर ये बिज़नेस करते हो तो बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो यदि आप लोग चाहते हो कि कपड़ा कहाँ से उठाएं जहाँ से सस्ता पड़े, तो इस पर आप कमेंट्स करें, हम आपको उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना देंगे जिस पे कि आप वहाँ से कपड़े ला करके और आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अब बात की जाए प्रॉफिट की कि कितना प्रॉफिट होता है इसमें, तो देखिए यदि आप बच्चों का कपड़ा भी लेकर के आते हो तो जो कपड़ा आप वहाँ से 100, 125, 130, 140 का लेकर के आओगे वो सीधा सीधा यहाँ पे आपको 250, 300, 350 तक का आपको बिकता है, क्योंकि आप नॉर्मली खुद भी आप अंदाज़ा लगाओ, अगर आप मार्केट में जाते हो किसी बच्चों का भी कपड़े लेने के लिए जो 1 साल 1.5 साल के बच्चे हैं उसके भी कपड़े अगर आप लेते हो तो 250-300 रुपये से आपको नीचे कहीं नहीं बोलता है, कोई भी नहीं मिलता है, जहाँ भी जाओगे 200-300-400-500 तक चला जाता है लेकिन नीचे नहीं होता है। तो मान लो यदि आप 150-150 रुपये का भी कपड़ा लेकर के आते हो और 300 में भी बेचते हो तो भी आपको एक कपड़े पे 100-150 रुपये का प्रॉफिट होता है। और यदि इस तरह से दिन भर में 8-10 घंटे अगर आप मार्केट में रहते हो और दिन भर में यदि आपका 3-4 कपड़े भी बिक गए, 3-4 बच्चों का भी कपड़ा बिक गया, तो आपका 1,500 रुपये आराम से हो जाएगा। तो यदि आप 5,000 रुपये का अगर आप मटेरियल ले आते हो जा करके और 5,000 का ला करके आप कपड़े ला करके आप मार्केट लगाते हो कहीं पे भी, और रोज़ क्या अगर 2-4-5 कपड़े भी बिक गए तो आपका 1,500 कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या ज़रूरत है बाहर जाने का और दिल्ली बम्बई जाके नौकरी करने का जब हमें यहाँ 5,000 रुपये से हो सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं है, कपड़ा का दुकान लाखों से भी स्टार्ट होता है, लेकिन जब हमें करना है बेसिक तरीके से करना है, कम पूंजी है तो हम कम पैसों से स्टार्ट करेंगे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, मात्र 5,000 रुपये आपको इकट्ठे करने हैं और 5,000 इकट्ठा करके आपको जो बड़ा मार्केट है जहाँ पे इसका अच्छा होलसेल रेट में कपड़ा मिलता हो वो वहाँ से आप जा करके पहले कपड़े परचेस कर लें। और स्टार्टिंग में अभी के दौर पे आप ये ध्यान रखें
कि कपड़ा लेना है तो ज़्यादातर बच्चों का कपड़ा लेना है, छोटे आइटम आपको लेना है अभी, क्योंकि पूंजी आप कम लगा रहे हो। बच्चों के कपड़े लेंगे उसमें कम पैसा में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बच्चों में थोड़ा सा लाइट वाला कपड़ा लेना है, चटक वाला लेना है, ताकि देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे और लोग वही बच्चों को लोग पसंद यही करते हैं कि मेरा बच्चा पहने तो अच्छा दिखने में लगे। तो ज़्यादातर अभी त्योहारों के टाइम में बच्चों का ही सीज़न ज़्यादा चलता है, तो इसलिए बच्चों का कपड़ा ज़्यादा उठाना और जहाँ जाए तो कोशिश करना कि कम से कम रेट का आप कपड़े लेकर के आओ।